आप लोग का स्वागत है गल्फ आइडिया चैनल पे। दोस्तों, अगर आप गल्फ़ के बारे में हर दिन नई जानकारी लेना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को अभी अपनी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, अभी कतर की पहली खबर आ रही है। जो कतर की एयरवेज है उसने एक फैसला लिया है कि 20 अगस्त से लंदन गैटविक के लिए फ़्लाइट स्टार्ट कर दी जाएगी। मतलब जो भी लंदन के लोग वहाँ पर फंसे हैं उसके लिए स्पेशल फ़्लाइट जो है दोस्तों 20 अगस्त से कतर से लंदन के लिए फ़्लाइट स्टार्ट कर दी जाएगी। जो कतर गवर्नमेंट है उसने आज अनाउंस किया है। इसमें फैसिलिटी ये होगा कि दोस्तों कि टोटल 22 सीट जो होगा दोस्तों वो बिजनेस क्लास के लिए होगा और 232 सीट जो रहेगी इकोनॉमिक क्लास के लिए रहेगी। और दोस्तों जो यूके और कतर में दोस्तों एग्रीमेंट हो चुका है 20 अगस्त से कतर से लंदन की फ़्लाइट स्टार्ट हो जाएगी। अकबर अल बकर ने अपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही है। और दोस्तों जो कतर की दूसरी खबर है, जो अभी कुछ दिन पहले दोस्तों लेबलान में एक बहुत बड़ा जो हादसा हो गया था उसके कारण बहुत से लोग जो घायल हो चुके हैं और बहुत से लोग अभी हॉस्पिटलाइज हैं, उसकी इलाज चल रही है। उसके कारण दोस्तों जो कतर सरकार है, जो पहली हॉस्पिटल का उद्घाटन कर दिया गया था, लेकिन आज दोस्तों दूसरी हॉस्पिटल का भी उद्घाटन हो चुका है बेरट शहर में। दोस्तों ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी वाली बात है, जो कतर में अभी दूसरी हॉस्पिटल का उद्घाटन हो चुका है दोस्तों। और इसमें कुछ मेडिकल एड और खाने पीने के सामान भी भेज दिया गया है लेबनान में। और दोस्तों जो कतर की जो तीसरी खबर है, जो कतर मिनिस्टर है उसने सभी लोगों से ये अपील किया है कि जो एतराज़ ऐप है वो अपना हमेशा एक्टिवेट करके रखे। इससे क्या होगा कि दोस्तों अगर जो लोग भी महामारी से ग्रसित है, मतलब उसके अंदर कुछ लक्षण पाए जाते हैं, तो इस एतराज़ ऐप के ज़रिए आप दूसरे लोग से बच सकते हैं। इसलिए दोस्तों जो कतर सरकार है उसने अपने आम जनता से ये अपील किया है कि हर कोई अपने मोबाइल पे एतराज़ ऐप एक्टिवेट करके रखे, मतलब हमेशा ऑन रखे। इससे क्या होगा कि आप बचे रहेंगे जो अभी महामारी चल रही है पूरी दुनिया में। जो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर है सभी से ये रिक्वेस्ट किया है। इससे क्या होगा कि दोस्तों ये जो बीमारी है वो फैलेगी भी नहीं और वो ये बची रहेगी। जो कतर की दोस्तों जो चौथी खबर है, इंडिया के मिनिस्टर और कतर के जो मिनिस्टर ने आपस में ये बात हो गया है कि 18 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक जो फ़्लाइट है दोस्तों इंडिया से कतर के लिए फ़्लाइट स्टार्ट की जाएगी। और इसमें दोस्तों जो लोग भी इंडिया से कतर आना चाहते हैं 18 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक फ़्लाइट स्टार्ट की जाएगी। इंडिया के जो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन है और कतर के जो मिनिस्टर है उसने एक एग्रीमेंट हो चुका है इस बात पर। जो अंडर सेक्रेटरी है इंडिया के अनुप पांड ने उसने ये बात कही है और ये बात भी दोस्तों ये क्लियर हो चुकी है कि इंडिया से कतर के लिए फ़्लाइट 18 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक स्टार्ट कर दी जाएगी। दोस्तों इसी तरह गल्फ़ की हर दिन नई जानकारी से लेना चाहते हैं दोस्तों, तो आप मेरे चैनल को भी अपनी सब्सक्राइब कर लें।